नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मान शर्मा और मैं एक मेहनती एम्प्लॉय हूँ। मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ इस कंपनी से निकलने के लिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कोई काम का प्रेशर है इस कंपनी में, 9 to 5 की जॉब है और 18 घंटे काम कर लेने के बाद थक के घर जाके आराम से आंख लग जाती है नींद की गोली खा लेने के बाद। खैर दोस्तों ऐसा मत सोचिए कि मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, मैं जी भर के जिंदगी जीता हूँ संडे को, और संडे को मैं कोई काम नहीं करता। उस दिन मैंने जो पूरे हफ्ते काम किया होता है उसके लिए माफी मांगता हूँ ऑफिस ग्रुप में। और शाम का टाइम लेकिन उस दिन मेरा मी टाइम होता है, उस दिन मैं टीवी खोल के आराम से मंडे के डर में कांपते हुए सो जाता हूँ। दोस्तों खैर मैं एक चीज अच्छी है कि मेरा जो टीम लीड है वो एक अच्छा इंसान है, वो हमें सिर्फ काम नहीं कराता हमसे, वो हमें बीच बीच में टीम लंच पे ले जाता है, वहां जाके हमें मोटिवेट करता है काम से निकालने की धमकी देकर, तो ये काम करने का मकसद मिला रहता है। खैर दोस्तों ये गलत धारणा है कि हमारी टीम मोटिवेटेड नहीं है, उनके वो पैशनेट नहीं है। अब हमारी टीम में काफी पैशनेट लोग हैं, अभिषेक तो एक्टर बनना चाहता है, मनीष रोडीज में जाके नंगा नाचना चाहता है, और मैं भी खुद एक कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए एक एलियन से बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कीबोर्ड से बम 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 की आवाज नहीं निकलती। दोस्तों खैर दोस्तों सैलरी का रोना रोते हैं सारे एम्प्लॉयज, लेकिन मैं नहीं रोता क्योंकि मेरी सैलरी काफी अच्छी है। रेंट देने के बाद, बिल देने के बाद और सारे उधार चुकाने के बाद मेरे पास महीने के शुरुआत में 3500 रुपए बच जाते हैं और इससे मैं खर्चा चला लेता हूँ। बस मुझे एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है कि किससे कितने रुपए उधार लेने हैं और ऑफिस का डायरी और पेन बेच के कैसे ओएलएक्स से पैसे कमाने हैं। लेकिन मेरी एक शिकायत है दोस्तों कि ओएलएक्स पे ऑफिस के प्रिंटर के लोग अच्छे दाम नहीं दे रहे हैं। दोस्तों इस स्ट्रेस भरी जिंदगी में टेबल टेनिस ही मेरा स्ट्रेस बस्टर है। टीटी रूम में मैं जाता हूँ बीच बीच में अपने काम से वक्त निकाल के और टीटी खेलने का वेट करता हूँ, लाइन लगाता हूँ और बिना टीटी खेले दूसरों का मैच देख के वापस आ जाता हूँ एक नई एनर्जी के साथ। दोस्तों लेकिन ये एक सिक्योर जॉब भी है, कितनी भी बुराई करो ये लोग मुझे कंपनी से नहीं निकालेंगे बिना एक हफ्ते का नोटिस दिए, और इसमें काफी फायदे देते हैं मुझे। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है मेरा 5000 रुपए का मेरे ही पैसों से, जो बीमारी में मेरे कोई काम नहीं आता, और अदर बेनिफिट्स भी हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आते क्या हैं, और ये मुझे ऑफिस में देर रात तक रुकने के पैसे भी देते हैं लौटने के लिए 10 रुपए बस से, और आज 12 बजे के बाद बस तो नहीं मिलेगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑफिस में ही सो जाऊं समय बचाने के लिए। पीस आउट दोस्तों।